शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के देवरी खुद्र के एक सैकड़ों ग्रामीणों ने शिवपुरी पहुंचकर कलेक्टर से राशन दिलाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान संचालक के द्वारा पिछले 5 माह से ग्रामीणों को राशन नहीं बांटा, जिससे ग्रामीणों के सामने रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। बिजलाल, कौन से गाँव के हो? नेंगो आके। पंचायत कौन सी? पंचायत देवरी खुर्द। तहसील पिछोर। कहाँ पर आए थे? यहाँ सब सीपरी। कौन के पास आए थे? कलेक्टर साहब के पास। क्यों? समस्या का भूखन प्यास मोड़ी मोड़ा मर रहा है ना, को 5 महीना से गल्लो नहीं मिलो, जाते हैं सो के खुद का बताते हैं भी। पर्ची काट देते हैं, खाली दे देते हैं, लेकिन गल्लो नहीं देते हैं। तो पर्ची मशीन से निकालते हैं, हाथ से लिख के देते हैं? हाथ से ही लिख के देते हैं। क्या बोलते हैं? कल ले जाना। कल ले जाना, फिर उसमें बढ़ा जा, दो चार आदमी को मिलो, फिर कह देना दूसरी बेल ले लेना। अब फिर कह देते हैं है ही नहीं, अब गल्लो ही नहीं, कहाँ से दे दें। हालत हमारी इतनी खराब है कि मोड़ी मोड़ा भूखन प्यास मर रहा है, मजूरी कर नहीं पा रहा है। मजूरी नहीं मिल रही, कछुए में मजूरी नहीं है, क्या करें, परेशान है मोड़ी मोड़ा आदमी, परेशान है। कितने आदमी आए यहाँ पर? यहाँ कम से कम 150 आदमी हुई है। पूरे गांव को राशन नहीं मिल रहा क्या? पूरे गांव को नहीं मिल रहा, 5 महीना से कोई गल्लो नहीं मिलो। खुद पंचायत से कुछ ग्रामीण आए लगभग 150? ये अपनी आज जनसुनवाई में राशन की समस्या हेतु आए थे कलेक्टर कार्यालय में, तो इनका आवेदन हमने ले लिया है और संबंधित अनुभाग में जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी है उनको भी अवगत करा दिया, वो इसकी जांच करके वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे और जो भी सेल्समैन ने अगर अनियमितता की है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो उनको जांच के लिए बोला है, तो जांच की रिपोर्ट जैसे ही आती है अगर उसमें गंभीर अनियमितता होती है तो उसमें अपन गंभीर कार्रवाई करेंगे। सर, इनका कहना ये है कि जो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी हैं वो भी कोई सुनवाई नहीं करते, तो ऐसे में क्या जांच सही हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर महोदय ने पर्सनली DS ATM सर को अवगत कराया है, तो इसमें कठोर कार्रवाई होगी अगर अनियमितता पाई जाती है तो।